तो अभी फिलहाल में क्या करना, अपने भाई को धो दे कपड़े। तो फाइनली चढ़ते चढ़ते थक गया, सर ले आया आपका भाई। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे के सारे भाई बहन बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खोज कर रहे हैं। तो अभी आपको पता है फोन मैंने हाथ में पकड़ रखा है, अभी इसे अपने ट्राइपॉड में यूज करूंगा, फिर देखना कैसा व्यू आता है। मुझे बताना जरूर है ना फोन से सही आ रहा था कि इससे सही आ रहा है। अब क्या पता है क्या, पहले कैप लगाओ, कैप लगा, कैसी लग रही सका ये। इतनी आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा भाई, सुबह सुबह 5:30 बजे उठ करके सब्जी लेकर के आना एंड वो पापा का हलवाई वगैरह। तो ओवरऑल गांव के वीडियो आई होप आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इधर या इधर आई बटन पे कहीं ना कहीं आपको वीडियोस आ रही हैं, तो वीडियोस पे लिंक पे जाकर क्लिक करो, आपको कंप्लीट पूरा का पूरे जो गांव के ब्लॉग थे वो देखने को मिल जाएंगे। और मेरी डेली लाइफ यानी कि मैं पढ़ने क्या करता हूं, तो उन चीजों के लिए मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यानी कि वीडियो के नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, देखो ब्लॉग हमने स्टार्ट करना है ना, वो ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया तभी तो आप देख रहे हो ना, ऊपर देख के मजा नहीं आ रहा। देखो फोन नीचे करता हूँ, मैंने ना फोन ऊपर टांग रखा है, वो वही फंस गया, अरे निकलना। हाँ मैंने ना फोन को ऊपर टांग रखा था। तो अभी आपका भाई चाय पी रहा है, चाय पीने के बाद आपके भाई को काम करना है, काम वो ये करना है यार कपड़े धोने, कपड़े बहुत सारे गंदे हो गए, तो कपड़े धोने के लिए यार किसको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, और कोई तो करने आएगा नहीं। तो चाय पी लेता हूँ, अभी जस्ट मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं ऑफिस से आ गया था 6:30 बजे, तो अभी जो समय हो रहा है 7:10 हो रही है, तो मैं ऑफिस से आया, कपड़े अपने चेंज किए, हाथ वाथ धोए और रूम साफ किया, झाड़ू वाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद मैंने देखा यार कपड़े बहुत गंदे पड़े और पहनने के लिए भी कपड़े नहीं बचे, तो मैंने कहा पहले कपड़े धो देता हूँ आज कैसे, मेरे पास अब एक या दो पैंट बचे, अब सर्दियां हैं, अब इतनी जल्दी तो सूख नहीं पाएंगे, तो आई थॉट आज धो देता हूँ, अब एक दो दिन में सूख जाएंगे, तब तक एक दो पैंट जो है उनको पहन पहन के ऑफिस जाता रहूंगा, है ना, तब तक ये भी सूख जाएंगे। तो अभी बस चाय पी लूं, तो आ जाओ आप भी चाय पी लो। तो अभी शाम हो रही है, जो आज डेट है वो डेट है 11th of January, और जो आज दिन है वो दिन है मंगलवार, ठीक है। तो अब आगे वीडियो को देखो और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल। तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ना चाय बना दूंगा, ठंडी है यार, देखना कितनी ठंडी है, एक ही सिप में खत्म हो जाएगी, इतनी सारी चाय है ना, देखो इसमें इतनी सारी चाय एक ही सिप में खत्म, क्योंकि ठंडी हो रखी है यार, मैं कपड़े अपने कलेक्ट करने में लग गया तब तक चाय ठंडी हो गई। तो अभी फिलहाल में क्या करना, अपने भाई को धो रहे हैं कपड़े, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे कपड़े धोने के लिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप आगे तक देखना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई यार, सब्सक्राइब कर लो। ये हवा चल रही है बाहर बहुत गंदी वाली, ये सामने जो दिख रहा है इस वाले फ्लोर पे वॉशिंग मशीन है, वहां वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो इधर अपना फ्लोर है उधर वॉशिंग मशीन है, तो अब नीचे तीसरे फ्लोर पे जाना है, फिर ऊपर तीसरे फ्लोर पे जाना है, फिर नीचे तीसरे फ्लोर पे आना है, फिर ऊपर तीसरे फ्लोर पे यहाँ पर आना वापस। तो सोच रहे हो 54 सीढ़ियां चढ़नी है, तो भाई साहब लंका लगेगी, अभी ये आपको करके दिखाता हूँ पहले पूरा। ओ भाई इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां, अब देखना तुम देख कर रहना, अभी भी नहीं पहुंचा मैं, देखते रहो आज तुम्हें भाई का स्ट्रगल दिखेगा। लेट्स गो, अब आया नीचे, अब इतना ही और ऊपर जाना है, और अपना सामने और चढ़ना है अभी ऊपर। ओ भाई और चढ़ो, और अपना दूसरा सेकंड फ्लोर सामने, तो ये ना ये वो कपड़े पड़े पीछे, वो वॉशिंग मशीन लगी है, तो अभी राइट नाउ मैं नोएडा में अवेलेबल हूँ, जैसा कि आपने पहले पिछले ब्लॉग में देखा था, 3 तारीख की रात को मैं आ गया था नोएडा, 4 तारीख से अपना ऑफिस शुरू हो गया था, तो प्रॉपर फिर ऑफिस में आना जाना शुरू हो गया, तो संडे को छुट्टी मिली नहीं, बिकॉज ऑफ वो छुट्टियाँ पीछे जाके कवर हो गई थी जो हमने पीछे छुट्टियाँ ली थी। तो अब जो मेरा वीक ऑफ है वो है 16 को, मतलब 16 जनवरी को मेरा वीक ऑफ है, यानी कि संडे को छुट्टी होती है एज यूजुअल। आज धोने थे आपके भाई को कपड़े, तो हमने कहा
अपनी फैमिली के साथ कपड़े धोए जाएंगे, तो आ गया हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। ये पड़े कुछ अपने कपड़े, आपको दिख रहे होंगे, और ये रही अपनी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अगर आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो उस ब्लॉग में मुझे ना इस मशीन को चलाना नहीं आता था, बट अभी मैं जानता हूँ कैसे इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है। तो अभी बस इसमें कपड़े डाल लूँ, फिर कपड़े डालने के बाद चलते हैं। अरे भाई इसको भी डालो, इसको भी डालो यार, एक एक करके डालना पड़ता है इसमें कपड़ा। पहले मैं डाल नहीं पाता था, मतलब पहले डाल क्या पर डाल तो देता था कपड़े, लेकिन धोने होने का सीन मुझे समझ में नहीं आता था, कैसे धोने हैं कपड़े कैसे, ये ना ये वाले बटन इसको मुझे समझ में नहीं आते थे क्या कैसे क्या करना है। लेकिन अब मुझे पता है, अब मैं सारा काम कर लेता हूँ आराम से। तो ये फाइनली अपने कपड़े, ओवरऑल ये जो कपड़े हैं ओवरऑल, अब ये कपड़े हैं कितने, 12-13 कपड़े हैं, 5-6 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। तो ये होगा बंद, अब इसको कर देते हैं स्टार्ट। तो वो वहां से देखो, शायद आपको दिख रहा होगा पानी वानी हो गया है शुरू, जिसने काम अपना कर दिया। तो ओवरऑल 71 मिनट, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। तब तक बंद हो रखी है कपड़े अपड़े एकदम, अरे बढ़िया तरीके से कर दिए भाई, मजा ही सा आ गया यार, सारे कपड़े धुल गए। तो ये जो कपड़े धुल के कंप्लीट हो पाए ना, 7 बजे डाले थे, 7:15 बजे, 9 बजे हो गए अपने कपड़े डन। अब ये आज रात को सूखेंगे, कल दिन में और कल रात को, परसों तक रेडी हो जाएंगे, तब तक के लिए कपड़े अपने पास हैं। पैंटा मिशन डन। आप रहा हूँ इसलिए 3 मंजिल उतरा हूँ, 3 मंजिल चढ़ाऊँ, अब 3 मंजिल फिर उतरूंगा, नहीं सॉरी 3 मंजिल उतरा हूँ, 2 मंजिल चढ़ाऊँ, फिर 2 मंजिल अब उतरूंगा, फिर 3 मंजिल चढ़ूंगा, इसलिए अभी से। तो कपड़े धुल गए, अब कपड़े ये रहा है जो भी होता है, जो भी टांगने वांगना बोलता है, इसमें कपड़े टांग देते हैं, फिर चलते हैं वापस अपने रूम में, है ना। तो मेहनत देखिए लड़के की, मेहनत कितनी मेहनत कर रहा है आपका भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे ब्लॉग आपको कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। यार देखो, काम करो, टाइम जब मिले तब, जरूरी नहीं है रात को मिल रहा है सुबह मिल रहा है, जरूरी ये है कि आप फ्री कब हो रहे हैं। लाइक मार, चलो अभी कपड़े डाल के पहले रुक जाओ। तो भैया अरे राजी, ये हमने कुछ अपने कपड़े सारे सेट कर दिए, देख रहे हो उसमें कितनी जगह होती है, सारे कपड़े यहाँ भी लग गए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये रही अपनी वॉशिंग मशीन, इसने कर दिया अपना काम डन, थैंक यू वॉशिंग मशीन। और हाँ एक चीज़ मुझे अभी पता है, इन कपड़ों में पता लगी वो बता मैंने ना इसमें ना वॉशिंग भी लगा रखा था, ड्रायर भी लगा रखा था, तो वॉश भी हो गए और कपड़े आधे ड्राई हो गए। तो ओवरऑल ये आज रात में या तो कल शाम तक सूख जाएंगे, तो ये मैंने सही करके किया था, मुझे याद ही नहीं था, अभी मैं कपड़े जब निकाल रहा था, जब डाल रहा था ना, तो मुझे पता लगा यार आधे तो सूख ही गए कपड़े, बढ़िया काम कर लिया मैंने ओवरऑल, तो ये काम हो गया डन। अब चलना है घर, क्योंकि अब जो समय हो चुका है वो 9:30 बज चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस ब्लॉग को भी एडिट करना है, और अभी पिछले भी ब्लॉग है तो उसको भी एडिट करना है। तो आपको क्या करना है, अब तो मैं फिर से वो सीढ़ियाँ चढ़नी है, 2 मंजिल उतरो फिर 3 मंजिल चढ़ो, कोई नहीं कर लेंगे यार, सोऊंगा का यहाँ, थोड़ा सोऊंगा यहाँ सोऊंगा, लेकिन सो भी सकता हूँ, लेकिन ठंड है यार, ठंड में नहीं सो सकता। तो अब चलता हूँ नीचे तरफ, ठीक है। तो अब यार मैं ना इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपको क्या देखा, मेहनत दिखी। तो ऐसे ही जब भी आपको भी टाइम मिले तो आप भी बना डालो वीडियो, कर दो अपलोड, बनाओ चैनल, बढ़िया मजा आएगा, आज नहीं 2-3 महीने बाद मजा आएगा, आज मुझे कम से कम नहीं तो 5 महीने हो चुके हैं ब्लॉगिंग करते करते, मुझे मजा आ रहा है, जैसे मुझे टाइम मिलता है ब्लॉग वीडियो को शूट करता हूँ आप लोगों को